हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको मेरा 6.5 महीने बाद का रिजल्ट दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट 6.5 महीने पहले कराया था। आज मेरे बालों की कंडीशन देखिए कि कितनी नॉर्मल हो चुकी है। 6.5 महीने पहले मेरे बालों की कंडीशन देखिएगा कि मेरे बाल कितने झड़ चुके थे, कितने अननेचुरल हो चुके थे। इसके बाद ही मेरा जब ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद की मेरी कंडीशन देखिए, उसके कुछ महीने बाद की कंडीशन देखिए कि कितने ज़्यादा शेडिंग फेज आ जाता है, कितने ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं, कितना ज़्यादा अननेचुरल लगने लगता है। इसके बाद ही जब आपका 3rd से 4th महीना लगता है और आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जैसे जैसे आता है, वैसे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता है और आपके हेयर भी ग्रो करते हैं साथ साथ में। मेरे 6.5 महीने बाद की मेरी कंडीशन देखिए बालों की, कि अभी मेरा जो हेयर लाइन बनाया गया था उस जगह पर कितने बाल आ चुके हैं, मतलब जितना भी हेयर लाइन बना जाता है बिल्कुल उस जगह पर टोटल आपके बाल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाल दिखेंगे। इतना मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट आया है तो आपका भी रिजल्ट आएगा। आप भी हेयर ट्रांसप्लांट यदि अच्छे क्लिनिक से कराते हैं तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही मैं बता दूं कि जब मेरे ग्राफ्ट निकाले गए थे, आपको पता ही होगा कि जैसे ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट निकाल कर एक दूसरी जगह पर प्लांट किए जाते हैं, इसके बाद क्या होता है कि उस जगह की कंडीशन देखिए कि उस जगह का जो जिस जगह से आपके बाल निकाले गए थे वो एरिया कितना नॉर्मल है, कैसा है। आज की कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ और पहले की कंडीशन दिखाता हूँ कि दोनों कंडीशन देखिए कि मेरा जो डोनर एरिया है कैसा दिख रहा था, अब कैसा दिख रहा है, वो आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, तो इतना मतलब इतना अंतर आ जाता है, जो कि आपको मैं लगातार पूरा मतलब फर्स्ट डे से लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने जब ट्रांसप्लांट कराया था तो स्टार्टिंग के 10 दिन तक तो मैंने लगातार वीडियो डाले थे कि ताकि आपको वो 10 दिन दिखें, जो 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका हर एक दिन कीमती होता है। तो मैंने सारे 10 दिन की वीडियो बना के डाल के रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको पूरी 10-11 वो वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल से कराया था, और मेरा जो ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर अंकित जैन ने मेरा ट्रांसप्लांट किया था। इसके साथ ही यदि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल के रखा है, आप मेरे टेलीग्राम पर क्लिक करिएगा, उस चैनल पर उस लिंक पर क्लिक करिए जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, और आप हमें मैसेज करिएगा तो जिससे मुझे जो लगेगा कि आपको कोई मदद देनी है तो मैं उस पर मैसेज करके रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप लोगों को हमेशा ही ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और लगातार आप लोगों को ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।